भारत देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वे बच्चों को सबसे अधिक प्यार करते थे। लेकिन आज कुछ तस्वीर बदल रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपना पेट पालने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। कोई बाल मजदूरी कर रहा है तो कोई कर्तव्य दिखा रहा है। तो देखिए इस मासूम बच्ची को जो अपने पेट पालने के लिए एक रस्सी पर चल रही है। ये है मेरे भारत देश की तस्वीर। वहीं गाजियाबाद के आचार्य योगेश दत्त गोड, जिन्होंने मासूम बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक गुरुकुल खोल रखा है, जहाँ पर विभिन्न राज्यों से आए हुए बच्चों को शिक्षा देकर काबिल बना रहे हैं। शर्मा, हार्दिक शर्मा, क्या उम्र है आपकी? 8 साल का। आप यहाँ किस जगह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? विद्यापीठ। विद्यापीठ में आपके गुरुजी कौन है? योगेश पंडित जी। किस प्रकार की शिक्षा आपको यहाँ मिलती है? गायत्री मंत्र। और कोई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? यस। क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तीनों। तीनों मैथ पढ़ाए जाते हैं। क्या आपको गायत्री मंत्र आता है? यस। जरा आप सुनाइए हमको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य योगेश दत्त गौड़ है। आप एक संस्थान चलाते हैं, क्या संस्थान का नाम है और किस प्रकार के बच्चे इस संस्थान में आते हैं? इस संस्थान का नाम श्री महर्षि वेदव्यास वेद विद्यापीठ है, और जो हमारी संस्था है श्री महर्षि वेदव्यास वेद प्रचार समिति है। हमारा उद्देश्य है भारतवर्ष में वेदों का प्रचार प्रसार करना, अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद जो है संपूर्ण धर्मों के मूल हैं, संस्कृति सभी भाषाओं की जननी है। तो हमारी संस्था का उद्देश्य है कि अपनी जो ये धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, ये बनी रहे। आपकी संस्थान के अंदर अनुमान देखा गया कि काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, किस प्रकार के बच्चे होते हैं, कहाँ से आते हैं और किस शिक्षा ग्रहण करने के जो टीचर हैं वो कहाँ से जाते हैं? ये बच्चे कई प्रदेशों से हैं, कई स्टेटों से हैं, और ये ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, और रिश्तेदारों के माध्यम से वो यहाँ एडमिशन लेते हैं।